देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत की मंडी समिति में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार की राष्ट्रीय व्योश्री योजना के अंतर्गत निःशुल्क सहायता उपकरण वितरण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें अपने सदस्य क्षेत्र पीलीभीत के दौरे पर पहुंची केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने गरीबी रेखा से नीचे आने वाले 1634 वरिष्ठ नागरिकों को लगभग 50 लाख की लागत के 3122 सहायक उपकरण वितरित किए। सरकार द्वारा दिए गए उपकरण पाकर वरिष्ठ नागरिकों के चेहरे खिल उठे। इस दौरान मेनका गांधी ने बताया कि महिलाओं एवं युवतियों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए यूपी में 26 जनवरी को पायलट प्रोजेक्ट के तहत पैनिक बटन वाला सेल फोन लॉन्च किया जा रहा है, जिससे मुश्किल घड़ी में महिलाएं इस बटन को दबाकर मदद मांगेगी और फौरन उन्हें सुरक्षा दी जाएगी, जिससे महिलाओं पर हो रहे अत्याचार पर लगाम लगेगी। क्राइम स्टोरी के लिए उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से सदर सिफी की रिपोर्ट। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कैंप हुआ है अभी तक और इसमें 2000 से ज्यादा लाभार्थियों को मिला है चश्मा, कान की मशीन, दान, और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ तो जस्टिस के मंत्रालय से, करुण दुबे और कानपुर के अलिम्पो से कि वो आए हैं और इतने लोगों की वो मदद कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा कैंप हुआ है उत्तर प्रदेश में, सबसे बड़ा कैंप। बहुत सालों से हम कोशिश कर रहे हैं कि हर एक सेलफोन में एक हार्डवेयर की टॉलिंग हर सेलफोन के अंदर हो, एक पैनिक बटन, अगर औरत मुश्किल में है तो उसको बचाएंगे और पुलिस आएगी। ये बहुत साल लगे हैं क्योंकि फोन के अंदर डालना ऐप आसान होता है, लेकिन फोन के अंदर डालना तो कहीं नहीं हुआ दुनिया में। तो अब सब कंपनी तैयार हो गए थे और उन्होंने डाल दिया है मोबाइल फोन पर, लेकिन सिक्योरिटी रीजंस की वजह से वो शुरू नहीं हुआ और अब हम उत्तर प्रदेश में पायलट के तौर पर शुरू कर रहे हैं। आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी।